खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी असलाहत की आड़ में अरबों रुपए के घपले। 2012 से 2016 तक सूबे में मुफ्त किताबों की तकसीम में 1.3 अरब की करप्शन हुई। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कई गुना ज्यादा किताबें छापी जो आम मार्केट्स में फरोख्त की गईं। टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बराए पोलियो ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में पोलियो की खराब सूरत हाल पर रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाके पोलियो का नया गढ़ बन रहे हैं। सिंध और पंजाब के महफूज इलाके भी अब गैर महफूज हो गए। कोरोना की वजह से पोलियो कैंपेन मुतासर हैं। 5 माह में पोलियो मुहिम शुरू ना हुई तो सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। कई मुल्कों में कोरोना फैल रहा है लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल केसेस और अमवात में कमी हो रही है। 24 घंटों में 2100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, 40 अमवात हुई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 73,000 रह गए। वबाई मर्ज को 1,78,000 अफराद शिकस्त दे चुके हैं। लाहौर में सावन की झड़ी लग गई। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। लोग छतरियां उठाए बाहर आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की डर्बी शायर में तैयारियां। 3-3 घंटों पर मुश्तमिल 2 ट्रेनिंग सेशंस में खिलाड़ियों ने खूब जान मारी। बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने बॉलर्स को टिप्स दी। बैटिंग के साथ फील्डिंग की ड्रिल्स भी कराई गयी।